हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? बेलपत्र प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। इनके बिना की गई पूजा अपूर्ण होती है। अतः अपने भोले बाबा को शीघ्र प्रसन्न करना है तो बेलपत्र लेना ना भूलना, क्योंकि बेलपत्र की उत्पत्ति देवी लक्ष्मी के कारण इस संसार में हुई और उन्हीं के कारण बेलपत्र प्रभु शिवजी को अर्पित किए जाते हैं। माता, समय तो बहुत ही कम शेष है, किंतु हो सके तो आप ही मेरी जिज्ञासा शांत करें। बताएं क्या हुआ था, क्यों बेलपत्र का इतना महत्व है? तो सुनो हनुमान, देवी लक्ष्मी विष्णु जी को प्रिय तो है ही, किंतु फिर भी एक समय उन्होंने विष्णु देव से वरदान मांगा कि वे सदैव आपके हृदय में वास करना चाहती हैं। स्वामी, मुझे वरदान दीजिए ना कि मैं आपकी सेवा तो करती रहूं, किंतु आपके हृदय में भी मेरा ही वास सदैव रहे। प्रिय, आपको ये वरदान तो मात्र प्रभु भोलेनाथ ही दे सकते हैं। भोलेनाथ? किंतु स्वामी, मुझे तो आपके हृदय में रहना है, फिर भोलेनाथ से वरदान क्यों मांगू? क्योंकि अनंत काल से ही मेरा हृदय उनकी भक्ति में ही लीन है, अतः मेरा हृदय जिसमें तुम भी बसती हो मुझसे अधिक भोलेनाथ का है। बस फिर देवी लक्ष्मी देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के अंचल में स्थित एक भव्य मंदिर में आकर हवन पूजन आदि करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवस बीते, मास निकलने लगे, ऋतुएं परिवर्तित होती रही, किंतु देवी लक्ष्मी निर्जल निराहार हवन पूजन करती रही। निद्रा का भी त्याग कर दिया था उन्होंने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी का ये हवन पूजन सहस्त्रों वर्षों तक चला, किंतु देवी लक्ष्मी ना तो क्लांत हुई और ना ही पूजा से उठी। बड़ी ही कठोर तपस्या की है माता लक्ष्मी ने। फिर क्या हुआ माता? फिर हनुमान, इस घोर तप को और प्रगाढ़ बनाने के लिए देवी लक्ष्मी अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देने लगी। और तब उनके घोर तप एवं बलिदान के फलस्वरूप देवेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। देवेश्वर के दर्शन मात्र से ही देवी लक्ष्मी की काया पूर्ववत सुंदर हो गई। प्रणाम प्रभु। आपके इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ देवी लक्ष्मी। कहिए, क्या वरदान चाहती हैं आप? मुझे मात्र इतना ही वरदान दीजिए कि जब तक ये संसार रहे, मेरे तन में प्राण रहे, मैं सदैव स्वामी श्री विष्णु देव की सेवा करती रहूं और उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास रहे। तथास्तु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु, परंतु प्रभु मैं सहस्त्रों वर्षों तक आपकी तप करने में समर्थ रही,
किंतु एक साधारण नारी कैसे इतना तप कर सकती है? कलयुग में तो मनुष्य अल्पायु होते हैं, तब वो कैसे आपकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे? प्रभु, कुछ ऐसा विधान कीजिए कि कलयुग में भी मनुष्य आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सके। देवी लक्ष्मी, आपने जो इस अग्नि में अपने पवित्र अंगों की आहुतियां दी हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। देवी, आपने जो बलिदान दिया है उसका सुफल अब समस्त संसार को भी प्राप्त होगा। आपके पवित्र अंगों की आहुतियों से उत्पन्न ये पवित्र वृक्ष बेल वृक्ष कहलाएगा। इसके बेल पत्रों को अब से जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसे आपके तप के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तब से लेकर अब तक कोई भी शिव पूजा बिना बेलपत्र अर्पित किए पूर्ण नहीं होती। तब तो मैं लौटते समय उसी मार्ग से जाऊंगा जहां पर ये वृक्ष है, वहीं से मैं बेलपत्र एकत्र करूंगा। वो वृक्ष तुम्हें कैलाश क्षेत्र के घने वन में मिलेगा हनुमान। किंतु स्मरण रहे, भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो, उत्तीर्ण पत्र सुंदर एवं बिना छित्र के होना चाहिए। माता, किंतु तीन पत्र वाला ही क्यों? हनुमान, ये समस्त सृष्टि रजोगुण तत्वगुण एवं तमोगुण के आधार पर रचित हुई है। रजोगुण द्वारा ब्रह्मदेव सृष्टि रचते हैं, तत्वगुण द्वारा विष्णुदेव सृष्टि का संचालन करते हैं एवं तमोगुण द्वारा महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। बेलपत्र के ये तीन पत्र इन तीनों गुणों एवं त्रिदेव का प्रतीक माने गए हैं। किंतु ये भी स्मरण रखना कि सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अवश्य माता, मैं स्मरण रखूंगा। और ये भी स्मरण रखना हनुमान कि तुम किसी भी मार्ग से जाओ, कितनी भी बाधा आए, किंतु आत्मलिंग को धरा पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएगा। मैं स्मरण रखूंगा प्रभु। अब आपका ये पूज्य आत्मलिंग प्रभु श्री राम के नेत्रों के समक्ष ही स्थापित होगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। अब तक हनुमान को आ जाना चाहिए था, किंतु मुहूर्त तो कल प्रातः तक का है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय शेष है अभी, बस पुत्र हनुमान के समक्ष कोई बाधा ना आ जाए। वो रहा बेल वृक्ष। तीन पत्र वाला बेलपत्र ये रहा। हनुमान, मरण रहे सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अब मैं बेलपत्र तो तोड़ ही नहीं सकता, सूर्यदेव तो अस्त हो गए। मैंने माता पार्वती के तप से उत्पन्न इसी वृक्ष से पत्र लेने का वचन दिया था माता को, मैं क्या करूं? हम्म,
प्रातः तक मैं यहीं रुकता हूँ। सूर्यदेव की प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित करके शीघ्र अति शीघ्र प्रभु के पास पहुँच जाऊंगा। कठिन तो है किंतु मैं संभव कर लूंगा। भोले बाबा के आत्मलिंग को मैं धरा पर भी तो नहीं रख सकता। सूर्य देव तो उदित हो रहे हैं। अब इनकी प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित कर लूंगा। ये तो पिपीलिकाएं हैं जो पत्रों को खा रही हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो, उत्तीर्ण पत्र सुंदर एवं बिना छिद्र के होना चाहिए। ये तो सभी पत्र छिद्रित दिखाई दे रहे हैं, क्या करूं? हाँ, वो पत्र खंडित नहीं है। पिपलिकाएं तो इन पत्रों पर भी आ रही हैं। सूर्यदेव भी ऊपर चढ़ाए हैं। अब तो बहुत ही कम समय शेष है। पत्र भी लेना है किंतु उसके पूर्व कुछ भी करके इन पिपीलिकाओं को बिना क्षति पहुंचाए यहां से हटाना होगा। प्रभु, हमने बहुत ढूंढा, हमें बेलपत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, नल और नील को दूसरी दिशा में भेजा है बेलपत्र लाने के लिए। कदाचित वो समय रहते बेलपत्र ले आए। ना तो बेलपत्र मिल रहे हैं और ना ही हनुमान अभी तक आत्मलिंग लेकर लौट पाए हैं। मुहूर्त भी निकला जा रहा है, अब अधिक समय शेष भी नहीं है। अब तक तो मुझे यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए था, किंतु बेलपत्र लेना भी तो आवश्यक है। प्रभु, कोई तो उपाय होगा। ये मधु, ये युक्ति कार्य कर रही है। शीघ्र हटो पिपलिकाओं, हनुमान को शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है। सूर्योदय तो कब का हो चुका है किंतु हनुमान के आने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। पूजा की सारी व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी है, बस बेलपत्र नहीं मिल पाए अभी तक। हनुमान को विलंब हुआ तो मुहूर्त निकल जाएगा, कैसे पूजा होगी और कैसे हम अयोध्या जाएंगे भैया? मेरे विचार से हमें हनुमान की प्रतीक्षा करने के स्थान पर किसी और विकल्प के विषय में सोचना चाहिए। स्वामी, क्यों ना मुहूर्त निकलने से पूर्व पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा प्रारंभ कर दे। भगवान तो कण कण में है और भगवान तो अपने भक्त की भक्ति एवं श्रद्धा को ही देखते हैं। हो सकता है नल एवं नील भी तब तक बेलपत्र लेकर लौट आए। मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? कैसा दुर्भाग्य है ये। हनुमान आ गए। ऐसी स्तब्ध उदासी का भाव मैंने हनुमान के मुख पर आज पहली बार देखा है। प्रणाम प्रभु।
प्रणाम माता। क्या इतना विलंब हो गया आपके हनुमान को प्रभु कि आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आरंभ कर दिए? आपका हनुमान आपके इस कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है। मित्र हनुमान, हम सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए प्रभु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रभु की पूजा प्रारंभ की। हृदय छोटा मत करो हनुमान, मुझे तो वही आत्मलिंग अधिक प्रिय है जो तुम लेकर आए हो, और फिर तुम बेलपत्र भी तो लाए हो जो हमें यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हो सके। प्रभु, यदि ये सत्य है, मेरे द्वारा लाया गया आत्मलिंग अधिक प्रिय है, तो आप इसी आत्मलिंग से अपनी पूजा संपन्न कीजिए। हनुमान, जिस पार्थिव शिवलिंग का स्वयं अभिषेक कर चुके हैं प्रभु, पूजा विधि को प्रारंभ कर चुके हैं, अब तो इसी पूजा से इस विधि को भी संपन्न करना होगा। ज्ञात है मुझे लक्ष्मण भैया, परंतु आज वो हो गया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। राम काज में असफल हो गया मैं, ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं? इसलिए आज ये भक्त अपने प्रभु से अनुरोध करता है, मेरी भेंट को स्वीकार करना ही होगा इन्हें, मेरे द्वारा लाए आत्मलिंग को स्थापित करना ही होगा इन्हें। और प्रभु, यदि आप मेरे इस अनुरोध का मान नहीं रखना चाहते, तो मेरे द्वारा लाए गए इस आत्मलिंग का भी यहाँ कोई महत्व नहीं। तब तो यही उत्तम रहेगा कि मैं अभी जाकर प्रभु महादेव को उनका आत्मलिंग लौटा दूं। मैं जाकर भी हनुमान का यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। कम से कम मैं प्रभु के इतने काम तो आ सका कि उनकी पूजा के लिए बेल पत्र ला सका। ये लीजिए प्रभु। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हनुमान, तुम्हारे विलंब और प्रभु श्री राम के द्वारा यहाँ पार्थिव शिवलिंग को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? भक्त और भगवान दोनों के हाथों दो पृथक लिंग एक साथ स्थापित होने का उद्देश्य है हनुमान, इसलिए तुम विफल नहीं सफल हुए हो। भक्त प्रभु की भक्ति तो करता ही है, परंतु वो अपने प्रभु से हट करने का अधिकार भी रखता है, इसलिए आज यहाँ भक्त और भगवान दोनों ही लिंग स्थापित करेंगे। भगवान द्वारा स्थापित लिंग को जगत राम लिंगम पुकारेगा और भक्त द्वारा स्थापित विश्व लिंगम कहलाएगा। आज से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से परिचित होगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी यहाँ पूजा के लिए आएगा, वो मेरे द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंग से पूर्व हनुमान के द्वारा लाए आत्मलिंग का अभिषेक करेगा। इस पुण्य तीर्थ स्थल पर ऐसे पूजा करने वालों के समस्त दुखों और पातकों का नाश होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।
प्रभु, पूजा संपन्न हो गई, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ स्वामी, अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ही समान आपके अनुज भरत भैया भी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए युक्ति का पालन अपने प्राण देकर भी करेंगे। ईश्वर की प्रत्येक लीला में जन कल्याण छुपा होता है, आवश्यकता है बस इसे समझने की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।